Hello dear friends, welcome all of you. Today we will discuss the last topic of this unit, ठीक है? That is Newton's law of cooling. इसके अलावा बहुत सारे topics हैं जो competition के लिए important हैं, ठीक है? छोटे topics हैं. अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका video भी दूँ तो आप मुझे message कर सकते हैं. Otherwise जो exam के हिसाब से आज मैं आपको इस यूनिट का लास्ट टॉपिक करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, कूलिंग से आप समझते हो. कूलिंग क्या होती है कि जब कोई चीज़ ठंडी होती है वो कूलिंग हुई, ठीक है? मतलब साइंस के हिसाब से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जब वो सराउंडिंग के टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी कूलिंग. ये गर्मी में कुछ और हो सकता है, सर्दी में कुछ और हो सकता है. जैसे आजकल के दिनों में मानो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आपने कोई चीज़ गर्म करके लाई और उसको छोड़ दिया काफ़ी देर तक, तो आप देखोगे कि अपने आप वो रूम टेम्परेचर के बराबर ठंडी हो जाएगी. और अगर उससे भी आप ठंडा चाहते हो तो आपको बिना किसी एड के वो टेम्परेचर रिड्यूस उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो न्यूटन ने क्या बोला था कि कोई बॉडी कितनी ठंडी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. क्लियर है? तो क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन्स के हिसाब से क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. क्लियर? तो ले लीजिए एक बॉडी ली हमने, उसका टेम्परेचर टी नॉट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कितना है, टी नॉट ले लीजिए और बॉडी का टेम्परेचर क्या लीजिए, टी, ठीक है. फिर कितना टेम्परेचर कम होगा, है ना, कितना होगा, जो लॉस इन टेम्परेचर दैट इज टी नॉट माइनस टी माइनस टी नॉट, ठीक है, वेयर टी इज ग्रेटर दैन टी नॉट, मतलब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है. तो वहां पे जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, कब तक डिक्रीज होगा, जब तक वो सराउंडिंग के टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए, ठीक है. सो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज टी माइनस टी नॉट, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि जो हमने लिया उसमें जो रेट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी हुआ, ठीक है, क्या हुआ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इट इज डी क्यू ओवर डी टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है. अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ये हो गया, अब हमने क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ माइनस डी क्यू ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट. सो माइनस डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस फिर इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ, के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, और ये के पॉजिटिव रहेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एंड द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी. ये जो के है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया और नेचर ऑफ द बॉडी. हो गया क्लियर, ठीक है. अब हम क्या मान के चलते हैं यहाँ तक, इसके बाद हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए उस बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास एम है, उसकी स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वो क्या है, हीट कैपेसिटी, जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कल हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है उसकी, सी है, और किस पे, एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी, स्पेसिफिक हीट एट टेम्परेचर टी, ठीक है. अगर टेम्परेचर फॉल होता है, ठीक है, लेट टेम्परेचर फॉल थ्रू अ डी टी, ठीक है, इन अ टाइम डेल्टा टी, ठीक है, कितने टाइम, डी टी टाइम में टेम्परेचर फॉल कितना होता है, डी टी, कितना होता है, डी टी, तो उसके हिसाब से लॉस इन हीट इट इज इक्वल टू एम सी इंटू डी टी, कितना होता है, एम सी इंटू डी टी. क्लियर है, एम सी इंटू डी टी, क्लियर है. अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, क्या करेंगे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो मैं बोलता हूं उसे लिखा भी करो, दैट इज यहां पे क्या लिखा हमने, ना होता रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो इसको क्या करो, डी टी से डिवाइड कर दे. क्लियर है. अब हमारे पास रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ये आया था, इसमें इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट, इसको आपस में करें कंपेयर करो, तो माइनस एम सी डी टी इज इक्वल टू
k t minus t naught. क्लियर है यार? उसके बाद सिंपल मैथ सर्विस के बाद कंपेयर कर दिया आपने, सब कुछ कर दिया. अब उसके बाद आप क्या करोगे, डी टी टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू बाकी एक साइज ले जाएगा के माइनस एम सी इंटू डी टी माइनस के एम सी इंटू डी टी. क्लियर है? अब ये जो k था ये स्मॉल के कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. वी विल टेक अनदर कांस्टेंट दैट इज कैपिटल के इनटू डी टी. क्लियर है? नाउ इसके बाद क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कितना हुआ, लॉग ई टी माइनस टी नॉट इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया, और यहां पे इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट है माइनस के t plus c, where c is a constant of integration. ठीक है, अब हमने ये खत्म करना है, log खत्म करना है यहाँ से. So we will take exponential both side. Exponential both side ले लिया, t minus t naught is equal to e minus kt plus c. So it is e minus kt into e c. ठीक है, e ये क्या हो गया, another constant आ गया. So हम इस another constant को क्या लेके 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 चलेंगे. ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है. जब कांस्टेंट है ये क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया. कांस्टेंट को क्या लो, आप ए करके नोट करें. सो इट इज ए कांस्टेंट. सो टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस ए ई माइनस के टी. ठीक है, ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर. ठीक है, क्या आ गया ये, दिस इक्वेशन कैलकुलेट द टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी थ्रू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, ऑलमोस्ट ये रेंज 30 डिग्री के आसपास हो तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बिल्कुल परफेक्ट रहता है. क्लियर है? तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, इसके बाद करते हैं हम स्टीफन्स लॉ. ठीक है, स्टीफन्स लॉ क्या होता है, साथ में हम अब ड्राइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फ्रॉम स्टीफन्स लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टीफन्स लॉ क्या होता है. स्टीफन्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, मैथमेटिकली इट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. इट इज द फोर्थ पावर ऑफ ए टेम्परेचर. ठीक है, किसकी फोर्थ पावर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की. ई क्या हुआ, ये ई जो है, ई क्या है हमारे पास, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो सारी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं. ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनना. इट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्लियर है? तो अभी से करें. सो ई इज इक्वल टू सिग्मा ई का 4. सिग्मा, हियर सिग्मा इट इज अ स्टीफन्स कांस्टेंट और इट्स वैल्यू इज 5.67. ठीक है, 5.67 इंटू 10⁻¹. ठीक है, कितना आता है, 8 जूल पर मीटर पर सेकेंड. कितना आता है, इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर केल्विन की पावर 4. क्लियर है? ये था स्टीफन्स. अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हुई तो उस केस में यहां पे सिंपल इट बिकम्स एप्सिलॉन सिग्मा ई रेज़ टू पावर 4, वेयर एप्सिलॉन इट इज अ एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ठीक है, क्लियर है, हो गया. अब हमने क्या करना, इस लॉ को यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ड्राइव करना. ठीक है, अब क्या करना, हमने कोई बॉडी ली, उसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट केल्विन मेंटेन रखा है और टी क्या था, टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, सो इट इज ग्रेटर देन टी नॉट. ठीक है, लॉस ऑफ हीट जो आया इसके हिसाब से पर यूनिट सेकंड पर ये दैट इज इक्वल टू ई. ठीक है, जो हमने किया था, ई इज इक्वल टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर नहीं है, इट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हुआ, टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट 4. क्लियर है, ये हो गया. अब क्या हुआ, सिग्मा क्या था, स्टीफन्स कांस्टेंट है और सी क्या बोला मैं तुमको, एमिसिबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग. ठीक है,
अब इसके हिसाब से अब क्या करो, सिंपल मैथ है, एप्सिलॉन सिग्मा इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी डॉट स्क्वायर इनटू क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे और टी डॉट का ये, ठीक है। अब फिर से आप इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टी माइनस टी नॉट इंटू टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या होता है, इन केस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल, ठीक है। अगर ये स्मॉल है सो टी जो होता है इट इज नियरली इक्वल टू टी नॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत नजदीक इसका रहेगा, तो ये आपस में क्या रहेंगे सेम। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो टी आया, ठीक है, जो तो डिफरेंस में, ठीक है, तो यहाँ जहां जहां सिर्फ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टी माइनस टी नॉट है, यहाँ क्या हो जाएगा टी नॉट प्लस टी नॉट का स्क्वायर माइनस से प्लस टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और टी जगह टी नॉट पुट करना क्योंकि टेम्परेचर क्या है सेम है, सिर्फ जहां पे ये डिफरेंस बहुत कम है इसलिए हम डिफरेंस वाले केस में टी माइनस टी नॉट रखते हैं, बाकी में टी की जगह क्या हमने टी नॉट करके कर दिया। सो ये क्या बन गया टू टी नॉट और यहाँ क्या बन गया टू टी नॉट का स्क्वायर, तो टू टू कितना हो गया फोर, टू टू से कितना हो गया फोर, फोर एप्सिलॉन सिग्मा फिर टी नॉट का क्यू माइनस टी माइनस टी नॉट। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया। अब ये जो टर्म है सारी की सारी इट इज कॉन्स्टेंट, जब ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जब ये कॉन्स्टेंट है सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, सो टी माइनस टी नॉट। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है जो डिफरेंस होता है, सो थर्मल एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय बॉडी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, सो इट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हेंस वी डिड्यूस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। क्लियर है? तो ये था सारा यूनिट नंबर 7 के बारे में, तो ये लास्ट टॉपिक था इसका, आप इसे ध्यान से करें, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बोल सके। सो थैंक यू वेरी मच।